आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज तूफानी दौरा है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। चुनाव से पहले लगातार दौरे कर रहे हैं सीएम योगी, तो आज सहारनपुर में पीएम की रैली में लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं चुनाव के प्रचार प्रसार को भी धार देंगे। आज नगीना में भी सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पहले चरण के लोकसभा चुनाव की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों का दौरा करेंगे और ये 3 जिलों का दौरा बेहद अहम और खास माना जा रहा है। सहारनपुर में पीएम की रैली में लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे, वहीं बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ नगीना लोकसभा सीट पर भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करने की जनता से अपील करेंगे। लखनऊ से है सपा नेता ने मुख्तार की हमदर्दी में पोस्टर लगवाए हैं। मुसलमानों से ईद ना मनाने की सपा नेता ने अपील की है। सपा नेता राम सुधाकर यादव ने होर्डिंग लगवाई है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ईद ना मनाने की अपील की है। राम सुधाकर यादव ने जनता से अपील की है। सपा नेता ने मुख्तार अंसारी के हमदर्दी में पोस्टर लगवाए हैं, ये खबर लखनऊ से आ रही है। मुसलमानों से ईद ना मनाने की सपा नेता ने अपील की है। सपा नेता राम सुधाकर यादव ने होर्डिंग लगवाई है, तो मुख्तार अंसारी की हमदर्दी में सपा नेता ने होर्डिंग लगवाई है। राम सुधाकर यादव ने सपा कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग लगवाई है। खबर महोबा से है, शॉर्ट सर्किट से मशीनरी की दुकान में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना के बाद भी समय से फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची, जिसके कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। जैतपुर कस्बा स्थित हरपाल मशीनरी स्टोर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शॉर्ट सर्किट से मशीनरी की दुकान में भीषण आग लगी है। ये खबर महोबा से है। खबर फरुखाबाद से है, अनियंत्रित बाइक सवार पेड़ में जाकर घुसा है। बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद रात भर घटना स्थल पर ही बाइक सवार का शव पड़ा रहा। राहगीरों ने बाइक सवार को लहूलुहान अवस्था में मृत देखा, तो मौके पर ही पुलिस को सूचना दी। राहगीरों की सूचना के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंच के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने छानबीन कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। पुलिस ने मोबाइल से परिजनों को सूचना दी है। थाना नवाबगंज क्षेत्र के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बाइक सवार अनियंत्रित बाइक सवार पेड़ में टकरा गया है। ये बड़ी खबर फरुखाबाद से है, अनियंत्रित बाइक सवार पेड़ से टकरा गया है। बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौके पर मौत हो गई है। खबर गोंडा से है, अवैध कच्ची शराब का कारोबार जोरों शोरों पर है। कच्ची शराब बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। डीएम के आदेशों पर फानी फेरते हुए अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, जहां कच्ची शराब का कारोबार लगातार जारी है। धानेपुर थाना क्षेत्र के बगुलही का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अवैध कच्ची शराब का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। कच्ची शराब बनाते हुए शख्स का वीडियो वायरल हुआ है।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।